क्या हो? युवान अभी पटाखे फोड़ना बंद अभी तारा मन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवक रिद्धि ब्लॉगर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी आज दिवाली है और अभी नहाना वाना बाकी है, तो अभी सबसे पहले हेयर कटिंग करवाने जाऊंगा। और ये देखो रिद्धि जो कि युवान को सुलाने की कोशिश कर रही है। क्या खाना है तेरे को? चना चोर। तो अभी चना चोर खाना है जो कि घर पे बिकने के लिए आया गया है ना भाई। रुको भी लेकर आता हूँ। तो अभी रिद्धि को चना चोर खानी थी और अभी ये भाई आगे चले गए थे तो उनको बुलाए। 20 रुपये के दे दो ना। ये हो गया चना चोर रेडी। ये ले खा जा। खाए तू खा ले, मैं आता हूँ तब तक, ठीक है? हेयर कटिंग करवा के चलेगे नहीं इतने? नहीं तो मेरे को तो मतलब हेयर कटिंग नहीं करवानी थी, लेकिन ये बोल रहे कि हेयर कटिंग करवा के हूँ। तो बाइक पार्किंग कर ली है और अभी मैं हमारे गांव में ये वाली शॉप पे आया हूँ। मैं डेली मतलब उस वाले शॉप से हेयर कटिंग करवाता हूँ, लेकिन उधर बहुत भीड़ है तो अभी इधर हेयर कटिंग करवानी पड़ेगी। अभी अपना नंबर आ गया है तो हेयर कटिंग करवा लेते हैं। तो चलो अभी हमारा हेयर कटिंग हो गया है, चलते घर जाके अभी नहाना बहाना करना पड़ेगा बाल कटवाए। तो अभी हेयर कटिंग करवा के घर आ गया और बाल खड़े नहीं रहते, इसीलिए ये MG5 की वैक्स भी लेकर आ गया। तो अभी नहाना है तो नहा लेता हूँ और बाद में रिद्धि को बाल दिखाता हूँ क्या रिएक्शन है, मतलब कैसे बाल कटवा के आया हो वो बोलेगी। वो ये देखो, ये रहे रिद्धि। अरे क्या कर रही? ये कैसे बाल कटवा के आ गए? क्यों पसंद नहीं आए? नहीं तुझे मैं कैसे भी बाल कटवा के आऊँ तुझे पसंद नहीं आएंगे। कपड़े फोल्ड कर रही है मेरे। हाँ देखो पूरे कपड़े सही से फोल्ड कर दिए, मतलब पूरे खराब हो गए थे अलमारी में। यह इधर देख, अच्छे नहीं लग रहे? अभी देख ले और अभी मैं नहा के आता हूँ और बाद में सेट करता हूँ, ठीक है? ऐसे मेरे कौन करता है? आ जा इधर, चल मैं आता हूँ अभी। अरे ये सब मुंह में मत डाल, ये सब नहीं करना। चलो अभी युवान की एक दो फोटो खींचते हैं। मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, तो मतलब अभी तो आज तो नए कपड़े नहीं पहने क्योंकि दिवाली के दिन मतलब कुछ मतलब दिवाली होती है, लेकिन पटाखे वटाखे जलाने होते हैं वो तो अभी रात को जलाएंगे। तो अभी ये गोल कप्पे है और चाय में चाय नाश्ता करते हैं। तो गोल गप्पे, चौरा परी, चाय और खारी। और ये रही रिद्धि और युवान खेल रहा है। चल निकाल ले चाय वाय निकाल ले, चाय नाश्ता करके ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चाय नाश्ता कर लिया है और आज दिवाली है, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, है ना? कुछ उत्साह ही नहीं है, मतलब लगता ही नहीं क्या दिवाली है। देखो मतलब अभी एक दो पटाखे फूट रहे बट लग ही नहीं रहा क्या दिवाली है। तो अभी तो मतलब दिवाली थी आज, लेकिन जैसे नॉर्मल डे पे मैं जितने बजे उठता हूँ ऐसे ही मतलब जॉब पे जाकर आ रहा तो लेट उठा और सुबह उठ कर चाय और नाश्ता किया, वही नॉर्मल डे जैसा ही, कुछ उत्साह ही नहीं थी। अभी दिवाली का पहले तो मतलब 10-12 दिन पहले से ही पटाखे जलाना वो सब बहुत ही उत्साह होता था, लेकिन अभी तो टेंशन ही होता है, नहीं है ना? टेंशन ही होता है कि ये लाना है, ये करना है, वो करना है, उसमें कब दिवाली आके चल जाती पता ही नहीं चलता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ज्वेलरी के शॉप पे, क्या करना है ये रहा देखो। ये जो कि रिद्धि ने कान में इधर डलवाया था, लेकिन उसके कान पे सूज गया था ना, पक गया था, तो ये निकाल दिया था। तो अभी वापस डलवाने जाना है उसके। ये नथनी चुनी बोलते क्या बोलते? हाँ तो वो चेंज करवाने जाना है। तो अभी उधर जाके ब्लॉग कंटिन्यू कर दें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ज्वेलरी की शॉप पे। पाइप लेके आ गए कि बाहर नीचे करके आया था, खड़े हो गए नीचे रखने। पैसा
ये वाली नोज पिन जो कि रिद्धि के पास पहले से थी, तो ये वापस देनी नहीं है, मतलब अभी ये रखते हैं, अभी ये दूसरी ली है, ये पसंद की है, ये पहन ले अभी। नाक में बड़ा सा छेद ना हो जाए। तो फाइनली नोज पिन पहन ली है, देखो कैसी लग रही है। और ये वापस तो रख देती, ये ले। और ये जो के पहले से मतलब कान में छेद थे, लेकिन अभी एक साल हो गया उसको निकाले, तो सारे छेद मिट गए हैं, तो वो तो मतलब वापस रखना पड़ा। और ये देखो, ये सब लेना है कौड़ियों के बाप लेना है। सिर्फ इसका ही कितना 1800 बजाए ना। ये सब रियल है या डुप्लीकेट क्या? ये समुद्र वेलस बारज। चलो अभी हो गया, पैसा देना है ना पैसे, तो वो तो फ्री में दे देगा, प्रमोशन किया ना। चलो तो चलो अभी। तो अभी दूसरी जगह पे हम मतलब खेत करवाने के लिए आ गए हम लोग, दूसरी शॉप पे, और इजीली मतलब खेत हो गया। ज्वेलरी पहना भी थी उसको, दर्द नहीं हुआ? तो मुंह क्यों बिगा रहे? थोड़ा तो होगा। दिखाई तरफ तो लगा दी एक तरफ। देखो दूसरी तरफ भी मतलब खेल, 2 सेकंड भी नहीं हुए, तो मतलब टेक्निक होती है कुछ लोग ऐसे, मतलब इतना टाइम लगाते हैं। एक बार हो गया था ना, एक बार उसको मतलब इधर पहनाया था, लेकिन बहुत एक टाइम लगाया था और ब्लड आ गया। इधर देखा थोड़ा ब्लडिंग हो गया। एक बार तो मतलब वो उधर से उस शॉप से मतलब करवाया था, पता है हमारी गांव की, जो कि बहुत ही टाइम लगा था और पूरा पक गया था। पैसा अभी हो गया। देखा कान जो छेदा अभी ये अंकल ने, जो कि इसके पैसे नहीं लिए, और देखो मतलब जितना हो सके उतना मतलब आप दान पात्र में डाल दो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने इस काम के पैसे नहीं लिए। नाइस, थैंक यू, ये बात बहुत ही अच्छी लगी। बाय। तो चलो अभी निकलते घर, क्योंकि मम्मी भी आई थी साथ में, ये शॉप हमने देखी नहीं थी। चलो अभी निकलते, बहुत टाइम हो गया। ये रही हमारी बिल्लो रानी। तो अभी ज्वेलरी की शॉप से हम लोग घर आ चुके हैं, और अभी तो खाना वाना खाने के बाद जब पटाखे जलाएंगे तभी लोग कंटिन्यू करेंगे ना रिद्धि। अभी हम खाना खा के अभी ये देखो रिद्धि सारे पटाखे लेकर आ गई, तो अभी हम लोग जलाएंगे पटाखे, और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। तो चलो अभी जलाते पटाखे। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला सूत्री बम जलाऊंगा, तो देखते हैं मतलब कैसे फूटता, मतलब कितना आवाज करता है। वैसे भी पटाखे तो काफ़ी सारे फूट रहे हैं, ये देखो। तो चलो हम भी अभी फोड़ते हैं, मैं तेल लगा देता हूँ क्योंकि माची से मतलब सारी खत्म हो जाए। Oh.
दिया भी बुझ गया। मैंने तो हाथ भी नहीं रखे थे कान पे, पूरा दाग पड़ गया कान पे, पर्दा हिल गया। बॉक्स जल गया और मतलब उधर जब भागना पड़ा तो सारे पटाखे बॉक्स के जल गए ना। इधर मेरे को भी हाथ पे कुछ लगा, मैं तो इसके पीछे आ गया था कि कोई पटाखा पास में नहीं। पूरा बॉक्स जला दिया और सारे, अरे देखो अभी आधे तो है लेकिन आधे नहीं जले क्योंकि एक पटा ना तो सभी लोग मतलब दूर दूर हो गए, तो चले गए थे उसके पीछे और दीदी तो अंदर चली गई थी, बच गए बाल बाल। चल अभी दूसरा चलाते। मैं नहीं आऊं, नहीं ये बार बार नहीं। ऐसे मत भाई, मोटा ऐसा मत करो। तो ये देखो युवान युवान जलाओ जलाओ, ऐसा बोला हमारा प्यारा गोल उठ गया है। तो ये देखो अभी पटाखे फोड़ना बंद, अभी तारा मंदिर जलाएंगे। मजा आ रहा है उसको, पोपो फोड़ने का मजा आता है। इतना अच्छा है कि वो इतना ज्यादा डरता नहीं, काफी बच्चे मतलब पटाखे फूटने पे रोते हैं लेकिन ये रोता नहीं है। अभी नींद से उठे देखो, युवान हैप्पी दिवाली, दूसरा जला दे इसमें से, ये ले युवान। तो अभी तारा मंडल जला लिए हमने, तो अभी पोपो फोड़ते हैं क्योंकि तारा मंदिर में तो क्योंकि तारा मंदिर का तो धुआं मतलब युवान के मुंह में जा रहा था, तो अभी पोपो फोड़ेंगे और क्या। तो ये रहे पोपो, ये ले खुश हो गया। अरे इधर कौन फोड़ रहा, डाल नीचे देख रहा है कि इसमें है क्या। पूरे दिन साथ में थे वो, एक एक लेकर फेंक दे, नहीं फूटा। ये देखो रिद्धि मतलब पटाखे तो नहीं जला रही थी क्योंकि उसको दिवाली नहीं करनी, लेकिन युवान को खुश करने के लिए ये पॉपअप फोड़ रही है। एक भी पटाखा नहीं जलाया मतलब। तो ये रहा युवान, उसको लेना है। तो अभी अनार लिए, तो एक ही जला पाया, दो रखी थी, तो अभी दूसरी दो, तो दोनों जला दी पाएंगे। लोग बाहर पटाखे जला रहे थे और अभी ये रोने लगे, देखो उसको नींद आ रही है और गर्मी भी लग रही है, तो ये गर्म निकल दिया स्वेटर, नींद आ रही है, सोना है इसको, उसको माचिस बहुत पसंद है, खेलने लग गया ना। चला जब लॉक पे कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पटाखे जला लिए, मतलब रिद्धि को तो दिवाली करनी नहीं थी क्योंकि पापा जी की फर्स्ट दिवाली थी इसलिए, और युवान ने मतलब पॉप अप और तारा मंदिर ही जला है।
मैंने भी मतलब पटाखे जलाए, लेकिन अभी पहले जितने नहीं जलाए, क्योंकि अभी एक साल बाद अभी ये पटाखे जलाएगा। अभी मेरे को पटाखे खरीदने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय गर्ल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गर्ल फ्रेंड्स, अगेन आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। बाय बाय।